तस्य पदेन वाचाम् बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि इस कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था यह है कहना चाहिए कि आप लोग जो योग के विद्यार्थी हैं इंस्ट्रक्टर्स बनेंगे जो भी हो आपको यह भी बताना कि योग केवल आसान प्राणायाम नहीं है उससे अधिक महत्वपूर्ण वह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसे हमने योग साइकोलॉजी कहा ओके और उसके बेसिस पे जिसे हम राजयोग कहते हैं जो पतंजलि ने प्रणीत किया उसी के आधार पर पहले मैंने ध्यान की प्रक्रियाएं आपको तीन दिन बताई और जो सेकंड सेशन था उसमें हमने योग मनोविज्ञान बताने का प्रयत्न किया था भारतीय पद्धति के अनुसार तो योग दर्शन है लेकिन अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से उसका अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही समीचीन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव यह वर्ड यूज करूं एक कॉम्प्रिहेंसिव योग मनोविज्ञान है और उसी को मैं आपको यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है उस चार्ट के माध्यम से आपको कुछ बताने का प्रयत्न करूंगा अभी ये इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन है उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा इस योग मनोविज्ञान में यहां पर कोई पाश्चात्य मनोविज्ञान के भी विद्यार्थी आप लोग हैं तो आप लोगों को अब मैं नहीं जानता कि पाश्चात्य मनोविज्ञान में क्या ब्रांचेस शाखाएं हो मैंने जो कहा है पहले मैंने उसके पांच मेन टाइटल बनाए हैं पहला है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मन की बनावट दूसरा है फंक्शन ऑफ माइंड मन की क्रियाएं तीसरा है योग की पद्धतियां टेक्निक्स ऑफ योगा चौथा है योग का फल यानी योग के परिणाम एक्सटेंडेड डायमेंशंस ऑफ फ्रूट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ योगा और उसके बाद पांचवा है जिसे मैंने मॉडर्न साइकोलॉजी की दृष्टि से एबनॉर्मल साइकोलॉजी पतंजलि ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी को भी नहीं छोड़ा तो इनको हम देखने का प्रयत्न करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पहला ऊपर ले लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ माइंड यह मैं विस्तार से आप लोगों को बता चुका हूं ठीक है मैंने चित्त वृत्तियां बता दी चित्त की भूमियां बता दी और क्लेश जो है वो पांच क्लेश बता दिए अब ये जो है केवल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड नहीं है इसका बहुत महत्वपूर्ण फंक्शनल एस्पेक्ट है यानी उसका क्रियात्मक बहुत बड़ा पक्ष है इसलिए कि चित्त की वृत्तियां पांच प्रकार की ही नहीं है पांच इंटू टू क्लिष्ट और अक्लिष्ट और हमारा जीवन हमारे मन में जो वृत्तियां उठ रही हैं अगर कल्पना हमारी अगर राग द्वेष से प्रेरित होगी तो वो क्लिष्ट कल्पना हो जाएगी स्मृति हमने पहले कुछ किया था अच्छा बुरा सब होता है याद रखिए कहते हैं ना एवरी सेंट हैड ए पास्ट एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर कोई व्यक्ति एक दिन में संत नहीं हो जाता उसके पहले उसने जाने अनजाने में कई पाप किए होते हैं
लेकिन धीरे-धीरे प्रयत्न करके वो परिवर्तित हो जाता है और एवरी सिनर एक पापी है तो सदा पापी नहीं रहता उसका फ्यूचर है उसका भविष्य है शुभ भविष्य है परिवर्तित हो जाएगा इसलिए हमने जो बुरा किया हो उसकी स्मृति नहीं रखें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मैं ट्राई टू स्पीक इन साइकोलॉजिकल टर्म्स पूर्वानुष्ठितानां दुरितानां चिंतनं सर्वतोभावेन पर्जनीयम् पहले किए हुए जाने अनजाने में जो बुरे कार्य और चिंतन इत्यादि किए हैं उसका चिंतन मत करो छोड़ दो भूल जाओ इसका मतलब यह नहीं कि उसे वापस करो उसको हम छोड़ देंगे अब हम नहीं करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट उसके बारे में डोंट ब्रूड ओवर इट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उसका चिंतन नहीं करो तो स्मृति करना है तो स्मृति भी दो प्रकार की होती है स्मृति एक चित्तवृत्ति है तो स्मृति जो शुभ किया है आपने ये क्लास अटेंड की आपको अच्छा लगा आप लोगों से मिलिए बात कीजिए किसी संत से मिले हो किसी व्यक्ति ने आपको अच्छे उपदेश दिए हो उनको याद कीजिए लेकिन बुरा हो किसी ने आपको डांटा हो झटकारा हो आपके साथ झगड़ा किया हो तो उसको भूल जाओ उसको मन में मत बनाए रखो इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है ईसा मसीह के जीवन में बाइबल में है ईसा मसीह के पास में उनको टेस्ट करने के लिए उनको देखने के लिए कि कैसे सेवियर है ना ईसा मसीह जो है वो लोगों का त्राण करने वाले हैं तो जो फैरिसीज एंड सैड्यूसीज जो उस समय के पंडित थे यहूदी पंडित उन्होंने कहा देखें एक पतिता नारी को पकड़ कर लाए और उसको कहा कि रबाई ईसा मसीह को संबोधित करते हुए कहा गुरु इसका क्या दंड है वो जानना चाहते थे कि देख के क्या कहते हैं उनको ट्रैप करना चाहते हैं ईसा मसीह ने उनसे पूछा है कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में क्या लिखा है क्योंकि ऐसी पापी पतिता नारी को तो पत्थरों से मारना चाहिए पत्थरों से मार मार के मारना चाहिए ईसा मसीह चुप रहे तो कहते हैं ठीक है जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे किसी में हिम्मत नहीं हुई ईसा मसीह जैसे इस व्यक्ति के सामने कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया और वर्णन आता है कि एक एक करके लोग पत्थर हाथ से छोड़ के और चले जाने लग गए और जो बूढ़े थे वो पहले जाने लग गए यानी हम जवानी तो अच्छी तरह शुरू करते हैं बूढ़े होते होते पता नहीं कितने पाप हो जाते हैं कि हमारा सारा जीवन अच्छे होने के बदले बुरा हो जाता है सब चले गए तब ईसा मसीह ने सिर उठाकर देखा सब चले गए उससे पूछा वो बेचारी खड़ी हुई थी क्या किसी ने पत्थर नहीं मारा कि नहीं कि जाओ मैं भी तुम्हें माफ करता हूं लेकिन आगे से ऐसा मत करना तो स्मृति के बारे में भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्लिष्ट स्मृति बुरी स्मृति को भूल जाइए नया जीवन प्रारंभ उसी प्रकार कल्पना और विकल्प की बात मैं कह रहा था यह जो शिवलिंग है कि आप पूजा करते हैं ना तो है क्या यह पत्थर है ना गोल पत्थर है हम उसको शिव मानते हैं ये क्या है इसको विपर्यय कहेंगे ना एक रस्सी पड़ी हुई है उसको हमने सांप मान लिया एक मूर्ति बना ली उसको हमने मंदिर में और उसको रामकृष्ण की मूर्ति करके और उसकी हम पूजा कर रहे हैं ये टेक्निकली ये विपर्यय की श्रेणी में आएगा लेकिन ये कैसा है अक्लिष्ट विपर्यय ये प्रोजेक्शन है भ्रम है भ्रम है ना अरे क्या पत्थर की मूर्ति को आप भगवान मान रहे हो तो भ्रम है तुम्हारा लेकिन ऐसे भ्रम से हमारे राग द्वेष इत्यादि कम होते हैं हम आगे बढ़ते हैं खैर तो ये सारी बातें मैंने
चित्त का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड तक हो गया. उसके बाद में फंक्शंस ऑफ माइंड भी मैंने बता दिए थे. दो फंक्शंस थे, एक तो था कॉन्शियस लेवल पे चेतन मन में जो विचार उठते हैं उसको हम कहते हैं प्रत्यय, और दूसरा होता है संस्कार, इम्प्रेशंस जो नीचे हमारे मस्तिष्क में पड़ते हैं. और योग का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है इन संस्कारों को बनाना, नए नए संस्कार, अच्छे संस्कार, शुभ संस्कार डालना. पता नहीं वेस्टर्न साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती. वे लोग तो कहते हैं कि एक ट्रायंगल जैसा है, ऊपर का कॉन्शियस माइंड है और उसके बाद में 1/8 जो है वो तो सबकॉन्शियस माइंड है, संस्कारों से बना हुआ है. लेकिन भारतीय पद्धति में तो ये सारे संस्कारों को परिवर्तन करने की एक पूरी पद्धति है. इतना मैंने कहा था. उसके बाद में हम आए थे टेक्निक ऑफ योगा. थोड़ा ऊपर ले लीजिए. टेक्निक्स ऑफ योगा सारा बहुत सारा है, और उसको अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, योगिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो बहुत सी अद्भुत बातें मिलेगी. पहला है जिसे हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, कंट्रोल ऑफ माइंड वेव्स जो कॉन्शियस लेवल पे उठ रहे हैं उसमें अभ्यास, प्रैक्टिस. और मैंने कहा था आप लोग जैसे स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, संगीत में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन का रेगुलरली बैठना, प्रत्येक दिन ठीक समय पर बैठना, विदाउट फेल उसको बैठना, ये उससे संस्कार पड़ता है, आदत पड़ती है, यू डेवलप हैबिट. स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अपने कर्मयोग में. उन्होंने कहा कि वॉट एवर एक्शन यू डू इट प्रोड्यूसेस एन इंप्रेशन ऑन द माइंड एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स हैबिट. ठीक है ना? अगर बार 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 उस काम को करोगे तो उसके बाद में अभ्यास हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा. हम सब जानते हैं हैबिट, हमारी अच्छी हैबिट्स भी हैं, बुरी हैबिट्स भी हैं, अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें. और स्वामी विवेकानंद एक स्टेप आगे बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ हैबिट्स इज कैरेक्टर. अगर किसी आदमी के 8 गुड हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स हैं, सुबह उठता है, सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, एक्सरसाइज करता है, शास्त्र पढ़ता है, लोगों से अच्छी तरह बातचीत करता है, सब स्वच्छ रहता है, आप लगा लीजिए, लेकिन गुस्सा भी आ जाता है. 2-4 बुरी हैबिट्स हैं लेकिन 10-12 अच्छी हैबिट्स हैं, हिज कैरेक्टर इज गुड. और सारी एजुकेशन का उद्देश्य है बिल्डिंग कैरेक्टर. ओके ना? स्वामी विवेकानंद कैरेक्टर, वी वॉन्ट मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज, वी वॉन्ट कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन. रिपीटेड प्रैक्टिस बार बार करने से संस्कार पड़ते हैं, और संस्कार के द्वारा आप कैरेक्टर मिलता है, अभ्यास. दूसरी बात उसका भी मैंने आपको जिक्र कर लिया है, वही है वैराग्य, डिटैचमेंट. डिटैचमेंट कभी ना कभी आपको करना पड़ेगा. और अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज से संसार में आसक्त नहीं है, कल्पना कीजिए वो कितना फ्री होगा. किसी स्थान से आसक्त नहीं है, उसको उठाया यहां से कहा चले जाओ, चले गए. किसी व्यक्ति से आसक्त नहीं है, किसी एक कोई विषय से आसक्त नहीं है, वो कितना फ्री होगा. तो ये वैराग्य एक बहुत बड़ा विषय है. मेरी पुस्तक आनंद की खोज एंड योगा एंड डे टू डे लाइफ, इन दोनों में वैराग्य के ऊपर आर्टिकल्स. उसके बाद तीसरा है, मैंने कहा था संवेग, इंटेंसिटी. हाउ इंटेंस यू आर इन योर एफर्ट्स. आप जो आपके कार्य कर रहे हो, योग में लग रहे हो, कितने तीव्र हो, हाउ इंटेंस यू आर. अब ये देखिए, ऑल दीज आर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स. मन के ऊपर ट्रिमेंडस प्रभाव पड़ता है. योग का उद्देश्य ही है कंप्लीट चेंज ऑफ कैरेक्टर, अपने मन को परिवर्तन, पूरी तरह परिवर्तन करना. वो जो 7/8 पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न साइकोलॉजी में जो पिरामिड है उसको पूरी तरह परिवर्तित करना. टू द एक्सटेंट चेंजिंग द रिफ्लेक्स एक्शन. बताया था मैंने आपको कि नहीं बताया? श्री रामकृष्ण में, श्री रामकृष्ण बहुत इंटेंस तीव्र थे. उन्होंने क्या किया था एक बार,
एक हाथ में रुपया लिया एक हाथ में मिट्टी ली और कहा कि ये मिट्टी है इससे संसार में कुछ काम नहीं होता ये रुपया है इससे आपको ऐश आराम मिल सकता है लेकिन भगवान नहीं मिल सकता मिट्टी से ही भगवान नहीं मिल सकता तो भगवान की दृष्टि से दोनों एक हैं मिट्टी टाका मिट्टी रुपया ऐसा करके उन्होंने क्या किया उसको गंगा में फेंक दिया एक बार दो बार तीन बार और उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा ये तीव्रता इंटेंसिटी कि उसके बाद में अगर अनजाने में भी कहीं एक धातु को हाथ छू जाता तो उनको ऐसा लगता है जैसे बिच्छू का डंक लगा क्या हुआ सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो गया रिफ्लेक्स एक्शन चेंज हो गया मैंने बता दिया था अगला एक चार्ट था उसमें मैंने एक बनाया था रिफ्लेक्स एक्शन भी है इमोशंस उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड इट सकता है कई बताया था तो जो दूसरी चीज है वो है इंटेंसिटी उसके बाद में हम आते हैं जो पहला चार्ट बनाया था चित्त वृत्ति निरोध होगा कैसे अभ्यास वैराग्य और तीव्रता से उसके बाद जो भूमिया है याद है ना आप लोगों को डेप्थ उसको कैसे चेंज होगा अष्टांग योग से योग के आठ अंगों के माध्यम से होगा और तीसरा उसके बाद में नीचे था क्या क्लेश है ना पंच क्लेश थे क्लेश कैसे चेंज हो गए पतंजलि बोलते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योग इससे क्या होता है क्लेश तनुकरणार्थम समाधि भावना तक तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान और मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगा तपस्या तपस्या का क्या अर्थ होते हैं इसके दो अर्थ होते हैं एक तो कहते हैं तितीक्षा केवल पंखा पानी नहीं तपस्या उसका होता है तितीक्षा तितीक्षा यानी फॉरबियरेंस तो पंखा चल रहा है अब चल रहा है दो दिन पंखा नहीं था आप लोगों के तो पंखा था मेरे को कोई पंखा नहीं था पसीने से लथपथ होकर खड़ा था वो सहन किया तितीक्षा रक्षा तितीक्षा सदृशी मनुष्यो न विद्यते पवना न विद्यते शंकराचार्य कहते हैं कि तितीक्षा जैसा कवच मनुष्य के पास और कोई नहीं है क्यों इस कवच के द्वारा वो समस्त बाधाओं को सहन कर सकता है डेवलप दिस तितीक्षा सहन शक्ति फॉरबियरेंस एक क्रिश्चियन सेंट ने तो यहां तक कहा है कि अगर आपको चॉइस मिले क्या चॉइस यहां एसी काम नहीं कर रहा है वहां एसी काम कर रहा है तो क्या करें हम वहां जाके बैठे नहीं यहां बैठे कुर्सियां हैं कुशन वाली कुर्सी है और बिना कुशन वाली कुर्सी हम क्या करेंगे कुशन वाली कुर्सी लेंगे नहीं बिना कुशन वाली कुर्सी जब कभी आपके पास चॉइस मिले सीक फॉर प्रिफरेंस दैट विच इज अनकंफर्टेबल देन द कंफर्टेबल दैट विच इज रिपल्सिव देन दैट विच इज अट्रैक्टिव ऐसे सात आठ उन्होंने ये बनाए हैं पेयर्स बनाए हुए हैं जहां तक हो सके कष्ट सहन करने की का प्रयत्न करो और ये तप में उपवास एकादशी व्रत नवरात्र का व्रत इत्यादि ये सब तपस्या के अंदर आ जाता है ये तपस्या के बिना कोई भी महान कार्य नहीं होता याद रखिएगा अब बहुत बड़ा विषय है इसके भी दोनों आर्टिकल इंग्लिश और हिंदी दोनों में है मेरी किताबों में एक वर्ड में है इंद्रियाणाम मनसो निग्रह परमम तपः इंद्रिय और मन का कंट्रोल परम तप और शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करना यह भी परम तप के अंतर्गत आता है
हो क्या रहा है? पहले हम विवेकानंद आश्रम से डीके हॉस्पिटल था, हमारे साइकिल पे चले जाया करते थे रोज आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। अब शायद ऐसी अवस्था आ गई है कि बिना कार के हम जा ही नहीं सकते, जमाना बदल रहा है। पहले ट्रेवल करते थे ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास में कर लेते थे, अब एसी में जाते हैं वो भी टू एसी होना चाहिए या फिर फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो एक किसी संत ने कहा था कि एवरी न्यू जनरेशन इज बिकमिंग सॉफ्टर एंड सॉफ्टर, लेट इट नॉट बी। सो तप, तप दूसरा है स्वाध्याय, शुभ साहित्य का अध्ययन, अच्छे साहित्य का अध्ययन। तो शुभ साहित्य से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और ये राग द्वेष अहंकार इत्यादि जो क्लेश हैं वह कम होंगे। यह भी याद रखिए कि अगर शुभ साहित्य से लाभ होता है उतना ही नुकसान अशुभ साहित्य से होता है। और शुभ साहित्य का अर्थ केवल पुस्तक ही नहीं है, टीवी न्यूज़पेपर, आज साथ में बैठकर इधर उधर की गप करना, पर निंदा पर चर्चा करना, ये भी सब अस्वाध्याय के अंदर का दाग है। तो उससे अब स्वाध्याय अगर हम करेंगे तो आपकी अविद्या कम होगी, अविद्या हमारे रॉन्ग कंसेप्ट जीवन के संबंध है वो चेंज होंगे, और अहंकार कम होगा, राग द्वेष इत्यादि कम होंगे। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड। देखिए ये संसार हमारी और मेरी और आपकी इच्छा से नहीं चल रहा, कोई एक चलाने वाला है वो चल रहा है। आप संकल्प करें कि अब इस टाइम में मुझे पहुंचना चाहिए, अब नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे, तो भगवान की इच्छा है, क्या करें। सरेंडर टू गॉड, भगवान की इच्छा पर शरणागति, शरणागति से जो भावनात्मक डिस्टर्बेंसेस होते थे, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, उत्तेजित हो जाना, डिप्रेस हो जाना, यह सब शरणागति से शांत होते हैं। तो ये तीन जो है ये क्लेश कम करने के लिए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ऑस्टेरिटी, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सरेंडर। उसके बाद चौथे में मैंने लिखा है धारणा, ध्यान, समाधि। ओके, धारणा, ध्यान, समाधि। इसकी परिभाषा पतंजलि करते हुए कहते हैं, धारणा का अर्थ है, और यह है अष्टांग योग के पांच अंतरंग योग, जो योग वाले जानते हैं, तो अंतरंग योग है धारणा, ध्यान, समाधि। और पहले वाले पांच हैं जो बहिरंग योग हैं, प्रिपरेशन से। मुख्य योग है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा, मन को किसी एक स्थान में बांध कर रखना। मैंने क्या किया आज प्रातः का ध्यान कराते समय, कहा कि आप मन को अपने हृदय में, एक कमल है वहां पर लगा कर रखिए। मन को हमने हृदय में लगाया, या मन को सिर के ऊपर यहां लगाया, या भ्रूमध्य में लगाया, ये एक स्थान है जहां पर मन को लगाइए, जाने नहीं दीजिए। और वहीं पर हमने स्वामी जी के फोटो का ध्यान किया, तदेव अर्थ मात्र निर्भर, नहीं, वहां पे है प्रत्यय एकतानता, प्रत्यय यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं वो कंटिन्यूस बना रहे, एकतान बना रहे, इसे कहते हैं ध्यान। और वह ध्यान जब इतना गहरा हो जाए कि आप स्वयं को भूल जावें कौन ध्यान कर रहा है, स्वरूप शून्य इव, वह होती है समाधि। अब एक थोड़ा सा धारणा के संबंध में एक दूसरा कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। धारणा का कंसेप्ट है देशबंध चित्तस्य, देश यानी एक स्थान में ना, हृदय में या भ्रूमध्य में या फिर भ्रूम सहस्त्र ऊपर या फिर यहां पर। अच्छा, देश यानी स्पेस, स्थान। तो ये रायपुर भी तो एक देश हो गया ना, स्थान हुआ। ये यूनिवर्सिटी भी स्थान हुआ,
ये कमरा भी जो है स्थान हुआ अगर मेरा मन इस कमरे के बाहर न जावे तो यह भी एक प्रकार की धारणा हुई इसका उपयोग करते हैं जो योगी हैं जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो कहते हैं कि बैठो तुम्हारा मन भाग रहा है ना भागने दो कहां जाएगा कृष्ण के भक्त हो ना अब वृंदावन के बाहर भगवान अपने मन को मत जाने दो ठीक है वृंदावन के अंदर मन को श्री कृष्ण के साथ घुमाओ मथुरा भी नहीं जाने देना और हमारा मन तो बंबई कलकत्ता सब जगह जा रहा है नहीं उसको इसमें लगा लो अब लगाया आपने सारे वृंदावन में ही भगवान के श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं अब उसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर लीजिए श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर के बाहर मत जाने दीजिए अपने मन को नंद बाबा के घर के बाहर मत जाने दीजिए वो यशोदा मैया के साथ में माखन चोरी की जो घटना है उनमें भी मन को लगाए रखिए उसके बाहर न जाने रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और उसके बाद में वहां पर केवल श्री कृष्ण का जब का ध्यान करेंगे तब वो क्या हो जाएगा वो धारणा हो जाए ध्यान हो जाए तो एनीवे ये मैंने आपको प्रसंगतः बोला धारणा का अर्थ और उसके बाद समाधि और समाधि कितने प्रकार के वो मैं आपको बता चुका हूं उसके बाद में अदर टेक्निक्स इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए हाँ अदर टेक्निक्स ओके इसके अतिरिक्त धारणा ध्यान समाधि और पांच प्रकार के यम नियम आसन प्राणायाम के अतिरिक्त और देखिए मैं अब यम नियम के डिटेल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं वो बहुत बड़ा है बहुत लंबा है वो नहीं हो सकेगा लेकिन उसके अतिरिक्त फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी टेक्निक्स हैं पहला है जप और मैंने जप के बारे में कल बात की थी मैंने बताया था जप का क्या प्रभाव पड़ता है मैंने कहा था कि अगर आप युद्ध 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 करते रहेंगे तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा वैसे ही जो राम राम करते होंगे नहीं सोचे कुछ भी बिना सोचे भी करते होंगे तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक है वेस्टर्न साइकोलॉजी समझते नहीं हमारे हम लोग समझते इसलिए कहते तुम नाम का जप करो और अगर उसका अर्थ का चिंतन करते हुए एकाग्रता से करो तो बहुत बड़ा परिणाम होगा मन अंतर्मुखी होगा आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी इत्यादि इत्यादि तो यह हुआ पहला हुआ जप और भी दूसरी टेक्निक्स हैं जो पहले चैप्टर में है बहुत महत्वपूर्ण पहली है वीतराग विषय मेडिटेशन ऑन होली पर्सनालिटी वीतराग ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में राग द्वेष नहीं है वीत यानी चले गए राग द्वेष स्वामी विवेकानंद का हमने ध्यान किया बुद्ध महावीर श्री राम कृष्ण राम जीसस क्राइस्ट ये ग्रेट पर्सनालिटीज इनका ध्यान कीजिए और इसके आगे एक और अच्छी टेक्निक है वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं शास्त्रों में लिखा हुआ है बुद्ध का चित्र है आप बैठे ध्यान करने अपने आप को समझिए कि मैं बुद्ध हूं दूसरा यह है कि बुद्ध का चित्त मन का चित्त वीतराग विषयम व चित्तम उनके चित्त का ध्यान करना तो चित्त का अर्थ क्या वो कैसा सोचते हैं उनके चित्त की धारणा कीजिए और उसमें अपने मन को बिठाइए या फिर स्वयं को समझिए कि मैं बुद्ध हूं आज आप लोग कीजिएगा इसको घर पर जाके शाम को जब ध्यान करें सोचिएगा जो भी है मैं चित्त में राम हूं या मैं कृष्ण हूं या स्वामी विवेकानंद हूं मैं बुद्ध हूं कीजिए तो आप उतने समय के लिए बुद्ध हो जाएंगे पांच मिनट दस मिनट के लिए सपोज ये आप दिन भर करें तो क्या परिणाम होगा सोचिए
प्रतिदिन अगर करें तो क्या परिणाम होगा? याद रखिए, जिसका हम चिंतन करते हैं उतने समय के लिए हम वही हो जाते हैं। अगेन योगा साइकोलॉजी, वेस्टर्न साइकोलॉजी, आई डोंट नो। अगर आप बिग बी का ध्यान करेंगे तो आप उतने समय, जितने समय तक ध्यान करेंगे वो आप वही हो जाएंगे। बी वेरी केयरफुल, अपने जीवन में जो सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसका प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। ये मन जो है ना, वो कुछ समझता नहीं है, जो भी आप डालोगे वो ले लेगा, बच्चे जैसा है वो, कुछ नहीं समझता। इसलिए बी वेरी केयरफुल विद द माइंड, हमेशा शुभ चिंतन कीजिए, हमेशा अच्छा चिंतन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जीवनी पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, राम की जीवनी बार बार पढ़िए, मन को उसी में लगाए रखिए, आप वही हो जाएं। तो यह वा वीत राग विषयम वातिष्ठम। उसके बाद में दो और टेक्निक्स पतंजलि फर्स्ट चैप्टर में दिखाई करते हैं। एक यह है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, अगर आपको कोई एक बहुत बढ़िया स्वप्न हुए, उसमें स्वप्न में किसी देवी देवता का दर्शन हुआ तो उसका ध्यान कीजिए, ये पतंजलि के अनुसार बहुत प्रशस्त ध्यान। और निद्रा में क्या होता है, निद्रा में हम सब कुछ भूल जाते हैं, प्रशांत आनंद रहता है, उसका ध्यान कीजिए। ये भी दो टेक्निक बताइए। और फिर कहा है सेंसरी एक्सपीरियंस, कभी कभी आप बैठे हुए हैं, अचानक कोई एक अद्भुत आनंद की स्थिति आई, अद्भुत एक ध्वनि सुनाई दी, ओम सुनाई दिया, उसके ऊपर वो तो चला जाएगा, उसको याद करके उसको ध्यान कीजिए। और उसके बाद आगे जाकर पतंजलि तो यहां तक कहते हैं यथाभिमत ध्यानात्वा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब नहीं कि इसका मतलब नहीं कि जूते की दुकान का ध्यान कर, शुभ ध्यान कीजिए यथाभिमत ध्यानात्मा। इसके आगे है, चलिए ऊपर, फ्रूट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ योगा, योग के परिणाम क्या होंगे। मेरे को ये जैसे कहते ना है कि क्रैश प्रोग्राम, आज मेरे को सब सारा योगा साइकोलॉजी खत्म करना। फ्रूट्स ऑफ योगा क्या है, समाधि, वेरियस टाइप्स ऑफ समाधि है, जिसका मैं वर्णन बता चुका हूं आपको, ओके, इसको नहीं कर रहा हूं। फाइव अदर इफेक्ट्स समाधि के अतिकार, पहला है वशीकार, वशीकार मैंने बता चुका हूं, वह जिस मन योगी का मन कंट्रोल हो जाता है, समाधि हो जाते हैं, वह जिस वस्तु पर चाहे मन को एकाग्र कर सकता है। परमाणु परम महत्वान तो अस्य वशीकार, एक परमाणु से लेकर कॉस्मोस तक का किसी पर भी ध्यान कर सकता है। उसके बाद में है प्रसाद, ऊपर ले लीजिए थोड़ा सा प्रसाद, प्रसाद यानी प्रसन्नता, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, आध्यात्मिक प्रसन्नता, फ्री जॉय ब्लिस। श्री रामकृष्ण जो है आनंदमय पुरुष थे, हमेशा आनंद में रहते थे, ही वॉज ऑलवेज फुल ऑफ ब्लिस। ध्यान करके देखिए तो सही कैसा आनंद, ये बाहर आनंद नहीं है, हमारे मन में सारा वी आर, हमारी आत्मा जो है वह आनंद स्वरूप है, यही इस आनंद हमको विषयों में दिखाई देता है, एक्चुअली वी आर ऑफ द नेचर ऑफ ब्लिस। तो समाधि से आनंद मिलता है, जितने योगी हो गए हैं वो इंटरनली दे आर ब्लिसफुल, आनंदमय। तीसरी चीज क्या है, रितंबरा प्रज्ञा, रित रित यानी सत्य, सत्य से पूर्ण ज्ञान, यानी नॉलेज फिल्ड विद ट्रुथ। ये जो डिस्कवरीज होती है, योगी लोग डिस्कवरी करते हैं, प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स डिस्क्राइब करते हैं, ये है फंडामेंटल ट्रूथ्स, प्रिंसिपल्स जो है वो इन्होंने आविष्कार किए।
हम कहते हैं आइंस्टाइन उन्होंने भी एक ट्रुथ का आविष्कार किया एक समाधि की स्थिति में. तो डीप कॉन्सेंट्रेशन होने पर ऑलमोस्ट समाधि होने पर जो आप आविष्कार करेंगे ज्ञान मिलेगा वो सत्य से पूर्ण होगा रितम भरा फिल्ड विद ट्रुथ. उसके बाद में समापत्ति. समापत्ति एक ऐसी चीज है जिस विषय को जिस व्यक्ति से आप का चिंतन करे ध्यान करे उसके साथ एक हो जाएंगे. जिस विषय का ध्यान करते हैं उसके साथ एक हो जाना. अगर किसी व्यक्ति के साथ ध्यान किया तो एक हो जाना. संतों के जीवन में आता है जब श्री कृष्ण का कोई ध्यान करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि वो ऐसे व्यवहार करने लग जाते हैं मानो वे स्वयं श्री कृष्ण. इसके अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. ये एक गहरी समाधि की स्थिति है. समाधि में आप जिस व्यक्ति या वस्तु जिस विषय के साथ ध्यान करते हैं यू बिकम वन विद इट. और पांचवा है प्रत्यक्ष चेतन इंट्रोस्पेक्टिव. हम बहिर्मुखी हैं. कठोपनिषद में कहते हैं परांचिखानी व्यतिन स्वयंभू इत्यादि. भगवान ने जब हमारी इंद्रियों को बताया तो बहिर्मुखी बना दिया. बच्चे को देखा ना यहां बैठा है खुटखुट आवाज आई तो दौड़ के जाएगा सड़क पे क्या हो रहा है कुछ बात हुई उसकी इंद्रियां उसको चारों ओर खींच रही. जैसे एक रथ को घोड़े खींचते हैं वैसे पांच इंद्रियां हमारे मन रूपी रथ को घोड़ा खींच रही हैं. कहते हैं इसको दूर करने ये हमारी वित्ति जन्मजात है. लेकिन अगर जब साधना करते हैं तो क्या होता है प्रत्यक्ष चेतन अधिगम मन अंतर्मुखी हो जाता है. यह बहिर्मुखी है. गीता में क्या कहा है बहु शाखा अनंताश्चु वृत्तय क्या है वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि. जो डिस्टर्ब माइंड है वो बाहर जाने वाला है और मल्टीपल ब्रांचिंग एक के बाद एक के बाद एक एक्सपांशन एक्सपांशन. और जो अंतर्मुखी है वो होता है एकाग्रमन. तो एक परिणाम होता है वो प्रत्यक्ष चेतन. आप साधना कीजिए मन आपका अंतर्मुखी और एकाग्र हो. उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ईच लिंब से डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं. यम नियम अहिंसा की प्रतिष्ठा से क्या होगा सत्य की प्रतिष्ठा से क्या होगा मैंने संक्षेप में आपको बता दिया. शौच पवित्रता की प्रतिष्ठा से क्या होगा अगर पवित्रता से मैं प्रतिष्ठित हो जाए शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये नियम कहलाते हैं. अगर शौच यानी पवित्रता में प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या होगा स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग. हमें अपने शरीर से घृणा होने लग जाएगी. क्यों मैंने बताया था कि शरीर हमारा अत्यंत गंदा है और दूसरे को छूने की इच्छा नहीं होगी. यू आर नॉट लाइक टू हग एंड किस इच अदर. छूने की हैंडशेक की भी इच्छा नहीं होगी. कुछ कहते हाथ जोड़ के ही प्रणाम कर ले एक बार हाथ आपका याद रखिए सब मैंने बता दिया ना गंदी चीजें हैं ये बता दिया था मैंने आपको. परेर असंसर्ग दूसरे से आपको आलिंगन चुंबन स्पर्श करने की इच्छा नहीं होगी अगर शौच में आप प्रतिष्ठित हो जाए. संतोष में प्रतिष्ठित होने पर अनुत्तम सुख अत्यंत सुख प्राप्त होता है. शौच संतोष तप प्रतिष्ठा में सिद्धियां प्राप्त होती हैं. स्वाध्याय से ईश्वर का दर्शन होता है और शरणागति से स्वाध्याय ईश्वर दर्शन शरणागति ईश्वर प्रणिधानात अभी याद नहीं आ रहा है कुछ मैं अभी जस्ट फॉरगेटिंग कोई ईश्वर प्रणिधानात है नहीं उसका परिणाम क्या होगा रिजल्ट क्या होता है उसका याद नहीं आ रहा है सिद्धि से क्या होता है एनीवे. और उसके बाद प्राणायाम प्रत्याहार ये सारी की सारी हैं बहुत सारे हैं ये अब उसके डिटेल में ले जाएंगे. फिर चौथा है साइकिक पावर्स
third chapter, Patanjal Yoga Sutra ka third chapter, usme siddhiyan. Aur do prakar ki siddhiyan hoti hain. Ek to aap jise kahenge cognitive aur dusri volitional. Modern psychology mein hai na ye cognition yani ab gyan ke sambandh mein. योगी यहां बैठकर चांद चला पता लगा सकता है कि कलकत्ता में क्या हो रहा है. योगी पता लगा लगता है कि आपके मन में क्या बातचीत हो रही है. योगी पता लगाता आपका पूर्व भविष्य क्या है और बाद में वर्तमान भविष्य क्या है और वर्तमान क्या है और पहले आपने क्या किया है सब पता लग जाता है. थर्ड चैप्टर में आप पढ़ के देख लीजिए कितनी सारी सिद्धियों की बात कही. और दूसरी होती है वोल्यूशनल क्या कर सकता है. विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाया था मालूम है. व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर सकता ईश्वर बन सकता. जो दो प्रकार की सिद्धियां एक ज्ञान परक सिद्धियां एक क्रिया प्रेरक शक्ति परक सिद्धियां हैं उनका बड़ा वर्णन है. मैं इसका उल्लेख इसलिए छोटे से मैं कर रहा हूं कि आप लोग तो योग का उद्देश्य क्या कर रहे हैं ब्लड प्रेशर कम करना है टेंशन फ्री करना इजंट इट थोड़ा सा रिलैक्स होना. अरे भाई आगे जाओ ना आगे जाओ तुमको इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी. यहां बैठे बैठे तुम गायब हो जाओगे. छोटा शरीर वाला हो जाओगे बड़े शरीर वाले हो जाओगे. हनुमान जी छोटे हो जाते थे अब बड़े हो गए. सिद्धियां थी हनुमान जी के पास. तो ये ऐसे मजाक के और कहानी की सिद्धियां नहीं है एक्चुअली होता है. तो योग को इतना डाइल्यूट और नीचा क्यों करते हो भाई उससे आगे है जाओ ना आगे. तो ये सिद्धियां हुई. उसके बाद में फाइनल है कैवल्य फ्रीडम कंप्लीट फ्रीडम. तो ये मुक्ति तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम चित्तवृत्ति निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है. और पांचवा मैंने रखा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी में वेस्टर्न साइकोलॉजी में एबनॉर्मल साइकोलॉजी और कॉम्प्लेक्सेस और क्या क्या सब है. मैं किसी से मिला था मजाक में कई वर्षों की पहले 20-30 साल पहले की बात है. उनका क्या आप लोग सब एबनॉर्मल साइकोलॉजी करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो क्या नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं होती क्या. तो क्या है कि अगर नॉर्मल पर्सनालिटी कोई मिलेगी तो हम उसमें भी कोई कॉम्प्लेक्स निकाल लें. आई डोंट नो व्हाट इज द वेस्टर्न साइकोलॉजिकल कंसेप्ट लेकिन इंडियन साइकोलॉजी में एबनॉर्मल साइकोलॉजी है. पंच क्लेश तो है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये तो बेसिक हमारे है एबनॉर्मेलिटीज उसको हमको दूर करना है. इसके अतिरिक्त वितर्क वितर्क यानी अहिंसा के विरोधी हिंसा सत्य का विरोधी असत्य अपरिग्रह का विरोधी पॉसेसिवनेस ब्रह्मचर्य का विरोधी सेक्स इंडल्जेंस और अचौर्य चोरी नहीं करना इसका विरोधी है बिना पूछे किसी की चीज ले लेना. ये पांच चीजें एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ये इनको वितर्क कहते हैं और दूर करने के उपाय हैं. पतंजलि कहते हैं वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता लोभ मोह क्रोध पूर्वक मधु मध्य अधिमात्रा. उसको डिटेल कर दिया ये वितर्क मैं हिंसा क्यों करता हूं क्रोध लोभ या मोह से प्रेरित होकर मन वचन काया से तीव्र या मृदु या मध्य इसी प्रकार से कई प्रकार के उसके कर दिए. और उसके आगे लिखते हैं ये अनंत दुख फला इनके कारण बहुत दुख होता है ऐसा चिंतन करना इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम ऑपोजिट थिंकिंग. देखो भाई अगर तुम किसी को कष्ट दोगे तो तुम्हें भी कष्ट पाना पड़ेगा.
और बहुत मजेदार मजेदार कहानियां हैं। अगर आप एक चींटी को एक कीड़े को भी मारोगे तो आपको कभी न कभी इसका फल भुगतना पड़ेगा। अगर आपने झूठ बोला, किसी को आपने छला, तो कभी न कभी आपके जीवन में कोई न कोई आपको छलेगा। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना, वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक। उसके बाद है वितर्क, उसके बाद में है अंतराय। भगवान का नाम का जप करने से क्या होता है? ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगमो अपि अंतराय अभाव। भगवान के नाम का जप करने से मन अंतर्मुखी होता है और अंतराय बाधाएं हमारे जीवन की दूर होती हैं। और वहां पे 9 बाधाएं हैं, मैंने केवल एक लिखा है, डिजीज एटसेट्रा, व्याधि डिजीज। स्थान यानी एक अकर्मण्यता, कुछ करना नहीं चाहते। स्थान संशय डाउट, व्याधि स्थान संशय। चौथा है प्रमाद, प्रमाद यानी केयरलेसनेस, जो भी काम करते हैं वो ठीक नहीं करते। एक लेटर लिखना है वो भी ठीक नहीं करेगा, कमरा साफ करना है तो आधा करेगा, लेक्चर भी देगा तो ठीक से नहीं देगा, उसके कैरेक्टर का अंग हो गया प्रमाद, केयरलेसनेस, आलस्य, फिजिकल वीकनेस, आलस्य, प्रमाद आलस्य। उसके बाद अविरति, वैराग्य का अभाव, मन संसार में जा रहा है। अलब्ध भूमिकात्व, अवृत्ति, उसके बाद में एक लेवल तक पहुंचना है, वहीं तक नहीं पहुंच सकते, वापस फिसल जाते हैं। अनवस्थित तत्व, और वहां पर गए उसके बाद में आप उसमें भी स्थिर नहीं हुए। तो ऐसे 9 प्रकार के ये बाधाएं हैं। उसके बाद उसके परिणाम, और जो आपका वेस्टर्न साइकोलॉजी और मॉडर्न पैथोलॉजी में भी है, वो क्या कहते हैं, दुख दौर्मनस्य अंगे में जयत्व श्वास प्रश्वास। ये वितर्क यदि हमारे जीवन में है तो उसका परिणाम होगा दुख होगा। दौर्मनस्य यानी डिप्रेशन, अंग में जयत्व हाथ पैर कांपना, लंबा लंबा सांस लेना, तो डॉक्टर जान के पता लग जाता है कि भाई तुम्हारे प्रॉब्लम है, कुछ सबकॉन्शियस प्रॉब्लम है, उसको दूर करो। तो ये हुआ, और उसके बाद में और ऊपर कीजिए, नहीं है, ओके। वितर्क अंतराय और पंचक्लेश, क्लेशों को भी एक प्रकार से आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया है कि कंडेंस कर दिया, इतना कंडेंस कर दिया है कि बस इन शॉर्ट मैंने बताया है व्हाट इज योगा साइकोलॉजी। यू माइट, मेनी ऑफ यू माइट लाइक टू हैव इट कि स्वामी जी आपने तो नोट्स लिख लिए हैं, आप हमको भेजिए। आई हैव टू वर्क इट, आई विल हैव टू वर्क अपॉन इट, इलाबोरेट अपॉन इट, मे बी एवरी स्मॉल ग्रुप माई सेक्शन माइट टेक 1 फुल आर्टिकल। तो मैं अभी आपसे ये शेयर नहीं कर सकूंगा, जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं इतना ही आप इसमें नोट्स जो हैं उसको ले लीजिए। लेकिन ये एक बड़ा सब्जेक्ट योगा साइकोलॉजी इटसेल्फ, ये इट वाज ए सॉर्ट ऑफ ए, मेरे लिए स्वयं में एजुकेटिव था, मुझे सोचना पड़ा इसके ऊपर। अगर आपको डिटेल चाहिए, मेरे पास मेरी पातंजलि योग सूत्र की 60 लेक्चर्स की सीडी है, 2 योगा इन डे टू डे लाइफ और आनंद की खोज, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। लेकिन द पॉइंट इज, हो क्या गया है कि मैं आज से अगर मैं 30 साल पहले होता तो शायद एक सीरीज लिख देता है, किताब लिख देता, अब होता नहीं। आई एम नॉट 78 नाउ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू समथिंग एन्यू एफ्रेश। एनीवे मेरे को, मैं समझता हूं कि मैंने योगा साइकोलॉजी के ऊपर पता नहीं आपको सेटिस्फाई किया कि नहीं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट। उद्देश्य मेरा ये था कि योग को केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं समझें, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, वेस्टर्न साइकोलॉजी से भी मच सुपीरियर मैं समझता हूँ। वेस्टर्न साइकोलॉजी में जगह ही नहीं है, ये बहुत सुपीरियर है। हमने देखा कितना
क्या-क्या योग कर सकता है वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और आप लोगों ने तीनों दिन इतने एकाग्रता से आकर कंसंट्रेट होकर सुना उसके लिए मैं आप लोगों का आभार धन्यवाद